नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन काउन हॉर्स अवर्स। दोस्तों, आज हम आए हैं हमारे मालेगांव के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है धाबाड़ी, और इस धाबाड़ी गांव में एक है नुकरा स्टैलियन, जो कि 2020 सारंगखेड़ा मेला में थर्ड पोजीशन नुकरा कैटेगरी में आया था, थर्ड नंबर पर आया था, और काफ़ी ज़ोरदार स्टैलियन है। उसकी शूटिंग हम निकालने आ जाए हैं। बहुत दिनों से उसकी शूटिंग निकालना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से आना हुआ नहीं। और जिनके यहाँ पे जो स्टैलिन है, उनके यहाँ पे जो उनके ऑनर है, उनके बच्चे का भी कुछ एक हादसे के वजह से बच्चे का देहांत हो गया था, इसलिए भी आना हुआ नहीं। तो आज हम इसके लिए आए हैं। साथ में है मेरे दोस्त आरिफ भाई, आगे आपको वीडियो में देखेंगे। अभी हम आए हैं, वो अंदर चले गए, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। और कुछ अपडेट भी देने थे आपको, जैसे कि आज हम जाने वाले थे येवला, लेकिन येवला मंडी में हमने कल ही फ़ोन कर दिया था। हमारे कुछ वहाँ पे जो व्यापारी है और जो घोड़े बेचने वाले हैं और हमारे कुछ दोस्त लोग थे, तो उन्होंने बोला कि येवला मंडी में अभी फ़िलहाल में कुछ भी माल नहीं आ रहा है, घोड़े नहीं आ रहे, तो अभी मत आना, क्योंकि वहाँ पर आपके चक्कर ऐसी फालतू में चली जाएंगी, तो आप मत आना। उसके बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई, येवला नहीं जाना है तो धुलिया चले जाएंगे। धुलिया में भी हमारे महाराष्ट्र मालेगांव से 50 किलोमीटर धुलिया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े हैं, कुछ लाइन के हैं और कुछ शादी ब्याह के अच्छे अच्छे घोड़े हैं, जो खरीदी बिक्री का भी काम करते हैं, उनके पास भी जाने था। लेकिन उनके यहाँ पे भी शादी की आज की बड़ी तारीख होने के कारण उनके भी घोड़े घर पर नहीं थे, तो वहाँ का भी कैंसिल हो गया। उसके बाद में हमने सोचा कि हमारे मालेगांव से और 30 किलोमीटर में एक पिलखोड़ गाँव है, उस पिलखोड़ गाँव में एक बढ़िया नाचने वाला घोड़ा है, जो सारंगखेड़ा में कई बार चैम्पियन हो चुका है सारंगखेड़ा हॉर्स मेले में, तो उसकी शूटिंग लेके ले जाते। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उनके जो ऑनर से उनको अभी खेती का कुछ काम आ गया, तो ऐसे आज कारण थे बहुत से, तो दो तीन बातें, मतलब दो तीन बार ऐसा हमारा ये हो गया कि जाते नहीं आया। तो फाइनली हम आज दाबाड़ी में, यहाँ से हमारे मालेगांव से यानी मेरे घर से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूरी है, तो हम आप ही यहाँ पे आए हैं। और आपको मैं बताऊंगा, काफ़ी अच्छा माहौल और काफ़ी अच्छा घोड़ा है इनके पास में। और दूसरी बात दोस्तों, कि सारंगखेड़े मेले के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि सारंगखेड़ा मेला भी अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि लगने वाला है या नहीं। मेरी थोड़ी सी वहाँ के लोगों से भी बात हुई, जो सारंगखेड़ा में वहाँ के जो कमेटी है, उनके लोगों से भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी कि अभी तक तो मतलब ऐसा फिक्स है ही नहीं कि लगने वाला है या नहीं, क्योंकि जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती या सरकार से कोई चीज़ें अपने को मालूम नहीं पड़ेंगी, तब तक मेला लगना मुश्किल है। वैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट निकालने के लिए वहाँ पे जाने वाला भी हूँ, लेकिन जब तक उनसे कुछ हमको हिंट नहीं मिल जाएंगी, तब तक मैं भी नहीं जा सकता। एक बार वहाँ से मुझे कुछ ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ठीक है आप आ जाओ, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ के जो माननीय श्री मुन्ना दादाजी है और उनके यहाँ पे मैं खुद जाकर उनसे मतलब वीडियो निकाल कर सारे अपने जो भी हॉर्स लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छे मैसेज देने का मेरा प्रयास चालू है। अगर उनका फ़ोन आया तो मैं ज़रूर वहाँ पे भी जाऊँगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो येवला मंडी के बारे में भी देनी थी। वैसे येवला मंडी, आप बहुत लोगों के कमेंट्स भी आती है कि येवला मंडी कब तक रहती है, कब चालू होती है, कब बंद होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। येवला मंडी का जो सबसे बड़ा बाज़ार रहता है वो है दशहरा बाज़ार। दशहरा बाज़ार में क्वांटिटी में वहाँ पे घोड़े आते हैं, और वैसे हर मंगलवार को यानी हर ट्यूसडे को, हफ्ते के हर मंगलवार को वहाँ पे बाज़ार भरता ही है, चाहे वो कम क्वांटिटी के घोड़े यानी 40-50, लेकिन मंडी भरती है, ऐसी खाली नहीं जाती है। बीच में सिर्फ कोविड के वजह से जो था वहाँ पे तब मंडी बंद थी, वैसे वहाँ के जो व्यापारी है वो घर पे ही अपने घोड़े बेचते भी है, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली भी जा सकते हैं। मेरे हर बहुत से वीडियो में मैंने सभी व्यापारियों के नंबर्स दे चुका हूँ, तो आप उनसे बात करके डायरेक्ट येवला भी जा सकते हैं, और उनके जो भी घोड़े रहते हैं तो वो मुझे भेजते ही वीडियो वगैरह, तो वैसे तो आप वीडियो के माध्यम से भी आपको पता ही चल जाता है। तो ये कुछ छोटी सी अपडेट्स थी जो येवला मंडी और सारंगखेड़ा के बारे में है। आगे उसके बाद में सारंगखेड़ा के बाद में आता है शिरपुर मंडी। तो शिरपुर मंडी का भी अभी तक तो कोई चांसेस मुझे भी लग रहे नहीं है, वो तो जनवरी महीने के एंड में रहती है, तो वहाँ पे जब भी कुछ वहाँ की अपडेट आएंगी तो वो भी आपको मैं साझा कर दूंगा अगली वीडियो में। तो अभी हम देखेंगे कि
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ पे जो स्टेलियन है राजवीर, उसके बारे में मैं आपको अच्छी वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।